hello students welcome to one day law revision module 1 historical evolution of investment and securities law let's quickly go through the synopsis first in this module we are going to cover meaning and definition of investment and securities point number 2 historical origins of investment and security law number 3 history of capital market in india number 4

तो अब ये ऐसी फाइनेंशियल एसेट होगी जहाँ पे या तो ओनरशिप राइट right है अगर कंपनी ने इशू किया तो ओनरशिप राइट right मिलेगा गवर्नमेंट ने इशू किया तो डेट राइट right मिलेगा एंड देन अगेन यू हैव राइट टू ट्रेड दैट इज़ बाय और सेल सो द टर्म सिक्योरिटी इज़ अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट दैट होल्ड सम टाइप ऑफ मॉनिटरी वैल्यू जिसकी कुछ मोनिट्री वैल्यू है इट रिप्रेजेंट्स एन ओनरशिप पोजिशन इन अ पब्लिकली ट्रेडेड कॉरपोरेशन वाई अ स्टॉक दैट इज कंपनी या फिर क्रेडिटर रिलेशनशिप विद गवर्नमेंट जिसको हमने क्या बोला डेट तो यहाँ पे हम डेट राइट एंजॉय करेंगे फॉर एग्जाम्पल बॉन्ड और राइट टू ओनरशिप एज रिप्रेजेंटेड बाय एन ऑप्शन फिर स्टॉक ऑप्शन भी होते हैं ऑप्शन इज लाइक अ राइट टू और सेल कॉल पुट एक्सेट्रा डेफिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट अब इन्वेस्टमेंट क्या है इन्वेस्टमेंट इज एन एसेट और एन आइटम एक्वायर्ड विद अ गोल देर इज अ गोल दे इज अ ऑ ऑ ऑब्जेक्टिव क्या ऑब्जेक्टिव है टू जनरेट इनकम और अप्रिसिएशन मतलब इन्वेस्टमेंट से या तो इनकम होगा या तो उसकी वैल्यू बढ़ेगी दिस इज योर ऑब्जेक्टिव इकोनॉमिक सेंस में क्या है कि हमको फ्यूचर में वेल्थ क्रिएट करना है इसलिए हम आज इन्वेस्ट कर रहे हैं अब इन्वेस्ट कैसे करते हैं पहले हम कमाते हैं हमारी इनकम होती है इनकम का कुछ पार्ट हम सेव करते सेव किया हुआ अमाउंट हम इन्वेस्ट करते हैं क्यों इन्वेस्ट करते हैं कि अगर आज हमने हंड्रेड रुपीज़ सेव किए तो कल जाके हमको हंड्रेड एंड टेन रुपीज़ मिले दैट्स वाई वी इन्वेस्ट तो या तो हमको टेन रुपीज़ का इनकम जनरेट होगा या तो हमारा वैल्यू अप्रिशिएट होगा मतलब वैल्यू ऊपर जाएगा सो इट इज़ लाइक एन एसेट इट इज़ अ मॉनिटरी एसेट परचेस्ड विद द आइडिया दैट एसेट विल प्रोवाइड इनकम इन द फ्यूचर और विल बी लेटर सोल्ड एट अ हायर प्राइस फॉर प्रॉफिट तो या तो इनकम टेन रुपीज़ का या तो फ्यूचर में हम हंड्रेड एंड टेन में बेचेंगे तो वहां पे प्रॉफिट हो गया फिर से टेन रुपीज़ का एन इन्वेस्टमेंट ऑलवेज कंसर्नस द आउटले ऑफ सम एसेट टूडे आज क्या है आज आउटले है आज हम हंड्रेड रुपीज़ इन्वेस्ट कर रहे हैं और फ्यूचर में हमको ग्रेटर पे ऑफ मिलेगा फ्यूचर में हमको हंड्रेड एंड टेन मिलेगा सो माइनस हंड्रेड प्लस हंड्रेड एंड टेन दैट इज इफेक्टिवली अ प्रॉफिट ऑफ टेन रुपीज़ इन फ्यूचर That is investment. Historical origin of investment and security law. The modern global security market has its origin se hua tha? that was started in medieval Italy, where in the city states of Venice, Geneva, and Florence, new financial arrangements emerged out of a growing trade between East and West. ब्रिटिशर्स का भी काफ़ी इन्फ्लुएंस था इंडिया में सिक्योरिटी मार्केट ग्रो करने में दे स्टार्टेड जॉइंट स्टॉक कंपनीज एंड स्टॉक एक्सचेंजेस वेर द सिक्योरिटीज वेर ट्रेडेड As government borrowings was लार्जली अंडरटेकन इन लंडन वेर the इंडियन रेलवे कंपनी also raised फाइनेंस Indian Railway Company ने भी London में फाइनेंस रेस किया था तो वहाँ से इंडियन सिक्योरिटी मार्केट की ग्रोथ स्टार्ट हुई एंड देन लोकल जॉइंट स्टॉक कंपनीज दिस स्टोक फर्स्ट इन कैलकाटा सबसे पहले कैलकटा में स्टार्ट हुआ जहाँ पे लार्ज ब्रिटिश कम्युनिटी रहती थी एंड फिर वो कैलकाटा से धीरे धीरे बॉम्बे तक स्प्रेड हुआ जहाँ पे इंडियंस भी पार्टिसिपेट करने लगे वो भी इन्वेस्ट करने लगे इन दिस जॉइंट स्टॉक कंपनीज एज अ इन्वेस्टर्स तो दो चीज़ें इस्टेब्लिश होने लगी जॉइंट स्टॉक कंपनीज एंड देन सेकेंड वन वॉज इन्वेस्टर्स जो उसमें इन्वेस्ट करते थे नंबर थ्री हिस्ट्री ऑफ कैपिटल मार्केट्स इन इंडिया इंडियन कैपिटल मार्केट की हिस्ट्री काफ़ी ओल्ड है स्टार्ट होती है एटीन सेंचुरी से जब इंडिया में सिर्फ दो प्लेसेस पे सिक्योरिटीज ट्रेड होती थी मुंबई एंड कोलकाता स्टार्टेड इन कैलकता एंड लेटर इट वाज स्प्रेड to मुंबई However, the द एक्चुअल ट्रेडिंग with विद द सेटिंग अप ऑफ स्टॉक एक्सचेंज ऑफ बॉम्बे इन Actual trading एक्चुअल ट्रेडिंग कब स्ट कब स्टार्ट हुई जब स्टॉक एक्सचेंज को सेटअप किया गया मुंबई में एन जुलाई 1875। और उसके बाद आया अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज इन 1884। उसके बाद से रिवॉल्यूशन होने लगा तो अब ये जो रिवॉल्यूशन है हिस्ट्री ऑफ कैपिटल मार्केट जो इंडियन कैपिटल मार्केट का रिजोल्यूशन है रिवॉल्यूशन है उसको दो चीज़ों में कैटेगराइज किया गया दो ऑन द बेसिस ऑफ टाइम वन वॉज बिफोर 1990 एंड द अदर वन वॉज आफ्टर 1990 या 1990 ऑनवर्ड्स तो अब हम पहले देखेंगे बिफोर 1990 इंडियन कैपिटल मार्केट वॉज वेरी इनएक्टिव टिल 1990 जो लॉन्ग टर्म लोन के रिक्वायरमेंट्स थे जो कॉरपोरेट को लॉन्ग टर्म लोन्स लगते थे वो कौन फंड देता था उसका डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक आई डी बी और फिर अदर इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस भी थे लाइक एल लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन यू यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया जी जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन एक्सेट्रा तो दो जगह थी जहाँ से कॉरपोरेट सेक्टर लोन लेते थे वन वॉज़ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड द अदर वन वॉज इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन्स वर्किंग कैपिटल कहाँ से मिलता था फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स एंड द नेटवर्क ऑफ दर ब्रांचेस स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री अब दो टाइप के लोन हो गए एक तो लॉन्ग टर्म लोन दूसरा था वर्किंग कैपिटल लोन स्कोप ऑफ कैपिटल मार्केट वॉज लिमिटेड बिकॉज ऑफ ईजी अवेबिलिटी ऑफ लोन फ्रॉम बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस स्कोप क्या था बहुत लिमिटेड था द स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट रेट वॉज एंटायरली कंट्रोल्ड जो इंटरेस्ट रेट थे वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड थे बट थ्री इंपॉर्टेंट लेगिस्लेश नेमली कैपिटल इशू कंट्रोल एक्ट नाइनटीन फोटी सेवन सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट नाइनटीन फिफ्टी सिक्स एंड कंपनीज एक्ट नाइनटीन फिफ्टी सिक्स विच वॉज लेटर ऑन अमेंडेड एंड नाउ इट्स कंपनीज एक्ट टू थाउजेंड थर्टीन ये तीनों एक्ट ने मिला के एक प्रॉपर स्ट्रक्चर दिया दिस समहाउ मैनेज गिव अ प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कैपिटल मार्केट इन इंडिया हाउ व मार्केट वॉज द हाईली रेगुलेटेड वन मार्केट काफी रेगुलेटेड था प्राइसिंग विच व इशू टू द पब्लिक फॉर द फर्स्ट टाइम वॉज डिसाइडेड बाई द ऑफिस ऑफ कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इशू फर्स्ट टाइम जब कोई सिक्योरिटी इशू होती थी तो उसकी प्राइसिंग डिटमाइन करता था कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इशू सिर्फ कुछ ही स्टॉक एक्सचेंजेस थे और सबसे डोमिनेंट वन था बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भी एस सी प्रोवाइडेड द ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म अंडर विच द सेकेंडरी मार्केट ट्रांजेक्शंस ऑपरेटेड अंडर एन ओपन आउटरीच सिस्टम अब है इंडियन कैपिटल मार्केट आफ्टर 1990 जो मेजर ट्रांसफॉमेशनस हुए स्ट्रक्चरल चेंजेस हुए वो सब 1990 के बाद हुए फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स इन जनरल एंड द कैपिटल मार्केट रिफॉर्म्स इन पर्टिकुलर वेन इनिशिएटेड इन अ बिग वे फ्रॉम 1991 92 ऑनवर्ड्स अब इससे कैपिटल मार्केट में इफ़िशेंसी इम्प्रूव होने लगी ट्रांसपेरेंसी बढ़ने लगी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस जो थी वो बंद होने लगी उस पर रोक लगाने लगे एंड इससे जो हमारा इंडियन कैपिटल मार्केट है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स मीट करने लगा द कैपिटल इशू कंट्रोल एक्ट नाइनटीन फोर्टी सेवन वॉज़ रिप्लेसड उसको कैंसिल किया गया उसको रिपील किया गया मतलब उसको कैंसिल किया मई नाइनटीन नाइन्टी टू में एंड उसके बाद ऑफिस ऑफ कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इशू वॉज़ एबॉलिस्ड इन द सेम ईयर The incorporation of National Stock Exchange was happened in 1992. Firaya National Stock Exchange in 1992. After that, it was recognized as a stock exchange in April 1993. Kafi lead role played as a changing agent in transforming the Indian capital market to its present form. Fir SEBI set up gaya SEBI that is Security and Exchange Board of India. So, SEBI was set up in 1988 and it acquired the statutory status in 1992. Since 1992, SEBI has emerged as an autonomous and an independent statutory body with definite mandates such as, SEBI ke kuch objectives the number one to protect the interest of investors in securities to promote the development of security market pehle to investor ka interest protect karna. सिक्योरिटी मार्केट का डेवलपमेंट देखना और सिक्योरिटी मार्केट को रेगुलेट करना ये ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए सीबी के पास कुछ पावर्स दिए गए थे सेबी हैज़ बीन एक्सरसाइजिंग पावर अंडर सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया फिर एक एक्ट था सिक्रा सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट की सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट को रेगुलेशन करने के लिए बना गया एक्ट है डिपोजिटरी एक्ट नाइनटीन नाइनटी सिक्स और ये सारे एक्ट्स को कुछ पावर्स दिए गए ताकि ये बेसिक ऑब्जेक्टिव अचीव हो एंड उसके बाद कुछ पावर्स कंपनीज एक्ट में भी थे इंडियन कैपिटल मार्केट हैज़ मेड कमेंडेबल प्रोग्रेस इन्स द इंसेप्शन ऑफ सी बी एंड हैज़ बिन ट्रांसफॉर्म्ड इन टू वन ऑफ द मोस्ट डायनामिकल मार्केट्स ऑफ द वर्ल्ड नीड फॉर सिक्योरिटी लेगिस्लेशन एंड इन्वेस्टर प्रोटेक्शन अब क्यों सिक्योरिटी लेजिस्लेशन जरूरी है क्यों लॉ बनाना ज़रूरी है और क्यों इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है व्हाट इज़ द नीड अगर हम इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट नहीं करेंगे अगर इन्वेस्टर को फेयर रेट ऑफ़ रिटर्न नहीं मिलेगा उसका कैपिटल जो अमाउंट उसने लगाया है हमारे केस में हंड्रेड रुपीज़ अगर वो सेफ गार्ड नहीं होगा तो आगे जाके इन्वेस्टर इन्वेस्ट invest नहीं करेगा एंड फिर जब कारपोरेट को पैसों की ज़रूरत होगी जब उनको फंड्स चाहिए होंगे तब वो उनको नहीं मिलेंगे वो फंड्स ही रेज नहीं कर पाएंगे अगर इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस चले गया सिक्योरिटी मार्केट में तो वो कभी इन्वेस्ट ही नहीं करेगा तो इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस मेंटेन करने के लिए जरूरी है कि उनको एडिक्वेट रेट ऑफ रिटर्न मिले जो भी उन्होंने कैपिटल इन्वेस्ट किया है उस पर दिस विल अनेबल अस टू लर्क बैक इन्वेस्टर्स टू द कैपिटल मार्केट इसलिए बहुत सारे सिस्टमेटिक मेजर्स लिए गए हैं जिससे इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बना रहे सिस्टम में जिससे इन्वेस्टर का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट होगा सिक्योरिटी मार्केट इन जनरल आर टू बी रेगुलेटेड क्यों रेगुलेट करना जरूरी है ताकि जो मार्केट ऑपरेशन है वो इम्प्रूव हो ईजी एक्सेस हो मार्केट का द प्रजेंट पॉजिटिव एटीट्यूड ऑफ इन्वेस्टर्स इज़ हार्डनिंग थ्रू इन्वेस्टर सेंटीमेंट्स हैव बिन शेकन बाई द वेरियस स्कैंडल्स जो कुछ स्कैंडल्स हुए हैं उसके वजह से इन्वेस्टर डर गया है तो उसके मन में जो नेगेटिव एटीट्यूड है इन्वेस्टिंग के कि इन्वेस्ट करने से पैसा डूब जाता है वो सब हटाने के लिए एक प्रॉपर लॉ बनना ज़रूरी है इवन दो देर आर वेरियस अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होने के बावजूद भी इन्वेस्टर डरता है आज इन्वेस्ट करने से इस सिचुएशन में इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करना उसका कॉन्फिडेंस बनाए रखना बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है एंड इसलिए एक प्रॉपर सिक्योरिटी लेजिस्लेशन होना ज़रूरी है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री सो आई होप यू अंडरस्टूड काफ़ी छोटा मॉड्यूल था इसमें से हिस्ट्री पे क्वेश्चन आ सकता है डेफिनेशन पे आ सकता है सिक्योरिटी के या इन्वेस्टमेंट में एक बार फिर से सिनॉपसिस देखते हैं हमने कवर किया है डेफिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड सिक्योरिटी हिस्टोरिकल ओरिजिन ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड सिक्योरिटी लॉ हिस्ट्री ऑफ कैपिटल मार्केट इन इंडिया उसमें हमने दो पार्ट देखे दैट इज़ बिफोर नाइनटीन नाइन्टी एंड आफ्टर नाइनटीन नाइन्टी एंड फिर नीड कि क्यों ज़रूरी है वाई सिक्योरिटी लेगिस्लेशन एंड इन्वेस्टर प्रोटेक्शन इज़ रिक्वायर्ड इन इंडिया सो आई होप यू अंडरस्टुंड थैंक यू